Hello everyone, this is class 9 civics chapter 2, what is democracy, why democracy. तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, सब कुछ. तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं. तो एक तो होता है मोनार्की, जिसमें राजा का बेटा ही राजा बने था. तो इसका एक एग्जाम्पल है हिस्टोरिक इंडिया, इसमें सारे में राजा का बेटा ही राजा बनता था. सेकेंड है डिक्टेटरशिप, ओनली वन पर्सन हैज़ द पावर. डिक्टेटरशिप यानी कि उस पूरे कंट्री को रूल करने के लिए सिर्फ एक ही जन के पास सारी की सारी पावर्स होती है. थर्ड है मिलिट्री रूल, मिलिट्री ऑफिशियल रूल्स द कंट्री. तो जो मिलिट्री ऑफिशियल होते हैं वो पूरे कंट्री को रूल करते हैं. और फोर्थ है डेमोक्रेसी, पीपल इलेक्ट रूलर्स. यहाँ पे जो रूलर्स है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है डेमोक्रेसी का. सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, पीपल उनको चूज करते हैं. तो पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि कंट्रीज अपने आप को बोलती है कि मैं डेमोक्रेटिक हूँ या मैं नॉन डेमोक्रेटिक हूँ, तो वो लोग बताते कैसे हैं. मतलब कोई एक फीचर्स होगा उनके अंदर जो बताते हैं कि मैं डेमोक्रेटिक हूँ और मैं नॉन डेमोक्रेटिक. तभी हम लोग पढ़ेंगे वो फीचर्स. सो इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, तो जो फाइनल डिसीजन होता है ना वो सिर्फ उसी जन से बनता है जिनको पीपल ने इलेक्ट किया हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में पीपल ने नरेंद्र मोदी को इलेक्ट किया है, तो जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो नरेंद्र मोदी ही बनाएगा. अब एक केस स्टडी है हमारे पास पाकिस्तान की. जितने भी केस स्टडी है ना इस चैप्टर में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनना. तो पाकिस्तान की केस स्टडी है, तो इसमें क्या होता है 1999 में परवेज मुशर्रफ ये क्या करता है, ये पाकिस्तान से डेमोक्रेसी हटा देता है. और 2002 में ये रेफरेंडम के थ्रू अपने आप को बोल देता है कि मैं आज से पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ. तो यहाँ पे पीपल ने उसको इलेक्ट नहीं किया है, उसने अपने आप ही अपना डिसीजन बना लिया कि मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ थ्रू रेफरेंडम. फिर उसने क्या कि एक लीगल फ्रेमवर्क उसने किया था. उसमें क्या होता है, जितनी भी पावर्स है ना वो सारी प्रेसिडेंट के पास होती है. वो प्रेसिडेंट नेशनल और स्टेट दोनों की मीटिंग्स को डिसमिस कर सकता है. और परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया था. तो ये जितने भी पावर्स है इसके पास, वो जितने भी डिसीजंस ले रहा है, तो ये ले रहा है परवेज मुशर्रफ. और परवेज मुशर्रफ को तो पीपल ने इलेक्ट नहीं किया है, तो मतलब पाकिस्तान इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. सेकेंड फीचर है डेमोक्रेसी का कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज इलेक्टेड हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. डेमोक्रेसी में सबको फ्री और फेयर इलेक्शंस मिलना चाहिए. अगर कोई इस बार जीता है तो उसको दूसरी बार में हारना, मतलब हारने के चांसेस भी होने चाहिए उसके पास. और अगर कोई पहले हारा है तो उसके पास जीतने के भी चांसेस होने चाहिए. यहाँ पे हमारे पास एक केस स्टडी है चाइना की. तो वहाँ पे एक नेशनल कांग्रेस पार्टी है, वो हमेशा ही जीतती है. तो अब ऐसा होता क्यों है, तो है ना 3000 से ज़्यादा मेंबर्स कंटेस्ट करते हैं, पर उनको कंटेस्ट करने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का. ये तो सही नहीं है कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन तो नहीं है, कि उनको पहले अप्रूवल चाहिए कि सीसीपी यानी कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल चाहिए. तो अगर वो लोग अप्रूव करेंगे कि हाँ आप कंटेस्ट कर सकते हो, तो ही वो लोग कंटेस्ट करेंगे. तो ये फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं होते, तो इसका मतलब चाइना इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इसमें एक और हमारे पास केस स्टडी है, वो है हमारा मेक्सिको का. तो मेक्सिको में ना एक पार्टी है पीआरआई पार्टी, जो हमेशा ही जीतती है. पीआरआई एक पार्टी है जो हमेशा ही जीतती है. तो वो पीआरआई पार्टी क्या करती है, वो कैसे जीतती है, एक तो क्वेश्चन ये है. तो वो है ना
कोई डॉटी मैल प्रैक्टिसेस के थ्रू जीतती है, करप्शन के थ्रू, इलीगल चीज करती है उसके थ्रू वो जीतती है। तो इसका मतलब ये भी कोई नॉन सॉरी ये भी एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं है। और ये क्या करते हैं, ये PRI वो इन्हें अपने अपोजिशन पार्टीज को कंटेस्ट ही नहीं करने देते। तो अपोजिशन में कोई है ही नहीं, फ्री और फेयर इलेक्शंस है ही नहीं, मेक्सिको इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारा थर्ड फीचर है वन वोट वन वैल्यू। अगर मैंने वोट दिया है तो उसकी एक ही वैल्यू होगी। कोई सिंपल पर्सन ने अगर वोट दिया है तो उसकी एक ही वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने वोट दिया है तो हम उसकी 25 वैल्यू गिन लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने भी अगर वोट दिया है तो उसकी एक ही वैल्यू गिनी जाएगी। फोर्थ फीचर है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और उसका जो रूलर है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फॉलो ही करेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस को तोड़ नहीं सकता, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिमिट में ही रहना है। हमारे पास इसका एक केस स्टडी है, वो है जिम्बाब्वे का। तो वहाँ पे ना एक पार्टी है जैन पे एक पार्टी है जिसका लीडर है रॉबर्ट मुगाबे। तो वो क्या करते हैं, ये पार्टी ना हमेशा ही जीतती है, क्योंकि इस पार्टी के पास सारे के सारे पावर्स इसी पार्टी के पास है थ्रू अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स के थ्रू इन सारे के सारे पावर्स इसी पार्टी के पास है। तो अगर सारे पावर्स इसी पार्टी के पास है तो ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि अगर सारे पावर्स इसके पास है तो ये लोग हमेशा ही कुछ अलग अलग गलत गलत चीज़ें करेंगे। ये लोग अपने अपोजिशन पार्टीज को हेरस करते हैं, इलीगल चीज़ें करते हैं। अगर अपोजिशन पार्टी डिक्लेयर मतलब कोई अगर अपोज करे कि नहीं आप गलत कर रहे हो, आपको सही करना चाहिए, तो वो लोग बोल देंगे कि नहीं आप इलीगल चीज़ें कर रहे हो, यू आर इलीगल, ऐसे करके। तो मतलब सारे पावर्स इन्हीं के पास है। तो जिम्बाब्वे इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज यहाँ पे जो रूलर है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को तोड़ रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में ले रहा है। सो इट्स नॉट फेयर। तो ये भी एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो ये थे फोर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि पीपल ने जिसको इलेक्ट किया है वही डिसीजन लेगा। फिर फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। फिर अगर कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर भी अगर कोई वोट देता है तो उसको एक ही वैल्यू होगी उस वोट की। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बने हैं रूलर्स को भी उसके अंदर ही रहना है, रूलर्स को भी उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। ये चार फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के। तो ये चार फीचर्स जिस भी कंट्री में है इसका मतलब वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेजेस, डेमोक्रेसी होने से क्या क्या नुकसान होते हैं। सो लीडर्स कीप चेंजिंग, लीडर्स हमेशा बदलते जाते हैं, इससे इनस्टेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में, ये केस स्टडी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हुआ था डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। तो उसमें ना सबसे पहले मोदी जी इलेक्ट हुए, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया, फिर वापस इलेक्शंस हुए। अब अगर उस इलेक्शंस में राहुल गांधी जीत गया, ठीक है, तो वो ऐसा भी कर सकता था कि नहीं वापस डीमोनेटाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है, आप 500 और 1000 के रुपीज़ यूज़ कर सकते हो। तो अब ये इनस्टेबिलिटी हो गई, कोई बोलता है डीमोनेटाइजेशन है, कोई नहीं, कोई बोलता है नहीं है, तो इससे बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी कॉज होती है। और इससे जो जो कंट्री है ना वो एकदम स्मूथ वे में नहीं चलता। तो लीडर्स का हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसके इस ये एक डिसएडवांटेज होता है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। जो पूरा डेमोक्रेसी है वो कॉम्पिटिशन के बारे में और पावर्स के बारे में, मेरे पास इतनी पावर्स है, मतलब ऐसे करके। तो ये सब कंपटीशन है पूरे पावर्स का, कि मेरे पास ज़्यादा पावर्स है इसका मतलब मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मतलब मेरी चलेगी, मतलब मैं रूलर बनूँगा, तो ये होता है। और सारे पार्टीज के अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, उनके पास अलग अलग पावर्स होती है, तो इन सब के बीच में बहुत कॉम्पिटिशन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी होने का। सो हमारा आज का पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। सो आज के पार्ट में मैंने क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। विच पार्टी ऑलवेज विंस इन जिम्बाब्वे, ऐसी कौन सी पार्टी थी जो जिम्बाब्वे में हमेशा जीतती थी। ये मैंने जिम्बाब्वे की केस स्टडी में बताया था। तो जानपे, PRI,
नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी या फिर नन ऑफ अबव। आंसर आपको कमेंट करके बताना है। व्हेन द किंग्स सन बिकम्स द नेक्स्ट किंग देन व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इट इज। हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे, तो जब राजा का बेटा राजा बनता है तो वो कौन सा गवर्नमेंट होता है? डेमोक्रेसी होता है, मिलिट्री रूल होता है, मोनार्की होता है या डिक्टेटरशिप होता है? कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल आस्क एंड स्टडी। थैंक यू।